पहले मैनीक्योर पेडीक्योर वैक्सिंग फेशियल ब्लीच हेयर कट बिल्कुल चेंज कर देना और फिर मेहंदी का मेकअप ठीक है। तो अलमास आपके हवाले नाज़रीन, अलमास को हम स्पा पर छोड़ के जा रहे हैं और इनकी सर्विसेज होंगी वो कैसी होंगी वो हम आपको सब कुछ दिखाते हैं। सर्विसेज कंप्लीट हो चुकी हैं और अब बारी आई है उन्हें मेहंदी के फंक्शन के लिए एक नया लुक देने की, जिसके लिए वकार हमारे साथ मौजूद हैं। देख सकते हैं कि अलमास को बकार ने बहुत अच्छी तरह से तैयार कर दिया मेहंदी के फंक्शन के लिए। नाउ इट्स टाइम टू हेड बैक टू द वेन्यू वेयर आवर टीम इज वेटिंग फॉर अस। होपफुली अब तक एप्लस की टीम ने बहुत अच्छा सेटअप जो है वो कर लिया होगा। बकार थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया, ये बहुत ही अमेजिंग मेकओवर है। तो नाज़रीन चलते हैं अलमास को उसके मेहंदी के फंक्शन की तरफ लेके चलते हैं। अलमास की मेहंदी का फंक्शन बिल्कुल शुरू होने वाला है और इस वक्त उसके फैमिली मेंबर्स और घर की खवातीन जो हैं वो मेहंदी लेकर पंडाल में आने वाली हैं। आप आवाज सुन सकते हैं कितने मजे से ये लोग धूमधाम तरीके से मेहंदी लेकर अंदर आ रहे हैं। सो लेट्स गो एंड वेलकम देम। नाज़रीन अगर आपको याद हो तो अलमास ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें एक्टर उमैर लगारी बहुत पसंद है। खैर हमने उनके लिए एक बहुत ही स्पेशल सरप्राइज अरेंज किया है क्योंकि इस वक्त उनकी मेहंदी के सेरेमनी में उमैर लगारी उनसे खास तौर पर मिलने के लिए आए हैं। नाज़रीन अलमास से आज उमैर लगारी मिलने के लिए आए हैं और यकीनन हमारी ब्राइड को बहुत खुशी हुई है। कैसा लग रहा है तुम्हें और तोहफा मिलकर कैसा लग रहा है? ये बहुत ही स्वीट जेस्चर था, बहुत ही अच्छा जेस्चर था उमैर की तरफ से और उनकी फैमिली की तरफ से, जो उन्होंने आके अलमास के लिए ये प्यारा सा जो है मिक्सर ब्लेंडर का जो गिफ्ट है वो दिया है। और वी आर वेरी थैंकफुल टू यू, इट वॉज अ वेरी स्वीट जेस्चर ऑन योर पार्ट। एक रियलिटी शो जिसका नाम है हाँ कबूल है, जो कि ऑर्गेनाइज कर रहा है ए प्लस, और यहाँ आके जितनी खुशी मुझे हो रही है वो बहुत ज़्यादा है और ऐसा शो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में आज तक किसी ने ऑर्गेनाइज किया है। सो दैट वाज द एंड ऑफ द मेहंदी सेरेमनी। गाना बजाना भी हो गया, खाना पीना भी हो गया और मेहंदी की रस्म भी बहुत सक्सेसफुली और बहुत ही अच्छे तरीके से अंजाम पा गई। मगर अभी शादी का दिन बाकी है और काम बहुत है क्योंकि हम अलमास की शादी बहुत धूमधाम से करवाएंगे इंशाल्लाह। तो हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं आपसे शादी वाले दिन। आज अलमास की शादी का दिन है तो ए प्लस की टीम ने सेटअप जो है वो ऑलरेडी अरेंज करना शुरू कर दिया है और मैं अलमास को एक्चुअली लेने आई हूँ। हम इसको लेकर जाएंगे फहीम बर्नीज ब्यूटी सैलून और स्पा पर, जहाँ आज हम उसे एक बहुत ही खूबसूरत सी दुल्हन बनाएंगे। घर से शोर की आवाज़ें आ रही हैं, मैं अंदर जाती हूँ और अलमास से मिलती हूँ। तो
नाज़रीन आप देख सकते हैं कि अलमास अब दुल्हन बन चुकी है एंड शी इज लुकिंग स्टनिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग वकार। ये क्या मैजिक किया आपने, सरप्राइज था ना तुम्हारा, बहुत जबरदस्त सरप्राइज है और यकीन ही नहीं आ रहा, पूरी शक्ल बदल के रख दिया वकार ने इनकी। अब तक यकीनन ए प्लस की टीम ने शादी की सारी अरेंजमेंट्स कर ली होंगी और सेटअप भी बिल्कुल तैयार हो चुका होगा, तो आइए हम मिलकर अलमास की शादी कराते हैं। आज नाज़रीन जैसे कि आप देख चुके हैं बारात आ चुकी है और अब कुछ ही देर में वो पंडाल की तरफ जाएगी, मगर यहाँ एक बड़े मजे की रस्म अदा की जाती है जिसे कहा जाता है गेट रुकाई। दूल्हा साहब जो है उनकी गाड़ी बिल्कुल मेरे पीछे ही है और उनको यही एंट्रेंस पे रोक दिया गया है। अब आया है उससे भी इंटरेस्टिंग पार्ट यानी कि निकाह की सेरेमनी का। मेरी तरफ से और ए प्लस की सारी टीम की तरफ से अलमास को और नदीम को हम शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। आपने देखा कि अलमास की शादी की सारी रस्में बहुत अच्छे तरीके से अदा कर दी गई हैं, उनके घर वाले, मेहमान, ए प्लस की टीम की इस कोशिश से बहुत ज़्यादा खुश थे, उन्हें अरेंजमेंट्स बहुत अच्छी लगी और उनकी खुशी से हमें खुशी हुई और यकीनन आपको भी खुशी हुई होगी। अब वक्त आ गया है रुखसती का और मेरे पीछे अलमास के भाई और घर वाले जो हैं वो इस वक्त उसकी रुखसती की तैयारियों में लगे हुए हैं, तो आप भी ये देखिए। आंचल में खुशियां समेटे हुए, आंखों में आंसू बिखेरे हुए, अपनों से रिश्ता दिल तोड़ता ही चला, नए रास्ते प्यार के ये जोड़ता ही चला, रब ने बना दिया। नाज़रीन अलमास की शादी बखैर खूबी अंजाम पा गई है, रुखसती थोड़ी सी इमोशनल थी बट एट द एंड ऑफ द डे इट वाज ऑल गुड। हमें इस शादी का हिस्सा बनकर बहुत खुशी हुई और जिस चीज़ की हमने कोशिश की थी वो चीज़ कामयाब होगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये एपिसोड आपको भी बहुत पसंद आई होगी, जितना इसको शूट करने में हमने एंजॉय किया है यकीनन देखने में भी आपने उतना ही ज़्यादा एंजॉय किया होगा। आप हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं आपसे मिलूंगी एक और नई एपिसोड में, तब तक के लिए अपनी होस्ट सुमैया मलिक को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। मिल जाते हैं लोग चलते हुए, जीवन की राहें बदलते हुए, कैसे बने हैं ये बंधन दिल जोड़ता ही चला, सब रास्ते प्यार के ये खोलता ही चला, रब ने बना दिया जो यही रिश्ता क्या कूल है, पूछे कोई तो प्यार से कहना हाँ।